चाबी ऑन, चाबी ऑन हो गई और ये सीएनजी की लाइट एक फ्लैश कर रही है और पेट्रोल की लाइट। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और गाड़ी है हमारे पास इको सीएनजी 2020 का मॉडल। तो फ्रेंड्स, ये गाड़ी जो है गैस पे नहीं आ रही है और गाड़ी जो है पेट्रोल पे स्टार्ट हो रही है। तो दिखाने वाले हैं गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो गाड़ी को जो है स्टार्ट करते हैं और गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें चेंजर में देख सकते हो पेट्रोल की और सीएनजी की जो लाइट है बिलिंग कर रही है, फ्लैश कर रही है। तो इसी वजह से जो है गाड़ी गैस पे नहीं आ रही, सीएनजी पेट्रोल। और गाड़ी का मीटर जमा जे रहा, तो एक बार गाड़ी को बंद करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं गाड़ी को। और गाड़ी में हमारी कंपनी फिटेड सीएनजी है, ये फ्यूल की लाइट बिलिंग कर रही है, सीएनजी की लाइट बिलिंग कर रही है, दोनों अप डाउन कर रही है, मगर गाड़ी जो है पेट्रोल पे स्टार्ट हो रही, गैस पे स्टार्ट नहीं हो रही है। तो सबसे पहले इस कंडीशन में करना क्या है, गाड़ी में स्कैनर लगा के देखना है गाड़ी में सीएनजी में कोई डीटीसी भर रहा है या नहीं भर रहा है। तो गाड़ी में स्कैनर लगाते हैं, तो अभी भी जो है गाड़ी गैस पे नहीं आई। जब तक ये बिलिंग करेगी जब तक गाड़ी गैस पे नहीं आएगी। तो अब एक चीज़ और दिखाते हैं इसमें, ये मैंने गाड़ी बंद कर दी और चाबी ऑन करते हैं। तो ये रहा मीटर, तो इसमें सीएनजी लिख के आने चाहिए, सही सीएनजी लिख के आता है, वो करता है फ्लैश। जब तक फ्लैश नहीं करेगा तो हमारी गाड़ी सीएनजी पे नहीं आएगी। तो एक बार वापस से ऑन करते हैं चाबी को, तो इसमें सीएनजी का जो चिन्ह आता है, निशान आता है, लाइट आती है, वो नहीं आ रही है। और जब तक वो लाइट नहीं आएगी तो गाड़ी जो है हमारी सीएनजी पे नहीं आएगी, गाड़ी पेट्रोल पे स्टार्ट होगी। तो गाड़ी जो है स्टार्ट और सेम कंडीशन है। तो गाड़ी में स्कैनर लगा के देखते हैं गाड़ी में डीटीसी क्या भर रहा है। चाबी ऑन और ये रहा स्कैनर हमारा, ओडी कपलर जो है इसका अंदर है। डायग्नोस्टिक गाड़ी हमारी इंडियन है, तो एशियन में जाना है, मारुति। तो मारुति इंडियन, ओके। सबसे पहले जो है गाड़ी को डायग्नोस करते हैं और देखते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम क्या है और डीटीसी क्या भर रहा है। और गाड़ी अभी हमारी बंद है और उसमें देख सकते हो फ्रेंड्स सीएनजी की और पेट्रोल की जो लाइट है अभी भी फ्लैश कर रही है। तो स्कैनर कनेक्ट होने वाला है, तो चलना है ओल्ड न्यू मेनू में, मैनुअल सेलेक्ट, सिस्टम फुल, और इसमें देखना है सीएनजी, सीएनजी एलपीजी। थोड़ी धूप ज्यादा है, तो कम्युनिकेशन एरर विद व्हीकल ईसीयू, मतलब जो इसका सीएनजी का जो मॉड्यूल ईसीएम है वो गाड़ी से जो है कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसमें दिखाते हैं फॉल्ट कहाँ पे है। तो अब इसमें जो है गाड़ी में स्कैनर को बाहर निकालना है और बाहर निकालने के बाद में इसका फ्यूज बॉक्स बाहर निकालना है। और इसमें जो है कंपनी ने फ्यूज दिए हैं 7.5 एम्पियर सीएनजी
और 7.5 एम्पियर CNG BLB और ये खाली CNG है और ऊपर वाला CNG BLB। तो इसके फ्यूज चेक करेंगे एक बार। तो ये वाला फ्यूज चेक करते हैं CNG का। तो इसमें जो है पावर आ रहा है, ये भी पावर आ रहा है और इसमें पावर नहीं आ रहा CNG वाले में। ये एक नंबर का जो फ्यूज है और इसमें दूसरी साइड पावर आ रहा है। तो ये वाला जो फ्यूज है CNG का है और ये वाला फ्यूज है CNG BLB का है। तो इस वाले के फ्यूज को जो है बाहर निकालते हैं, ये बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स देख सकते हो ये फ्यूज जो है उड़ा हुआ है, ये फ्यूज उड़ गया है। और इसमें दूसरा फ्यूज लगाते हैं, चाबी करते हैं बंद और इसमें फ्यूज लगाते हैं 7.5 एम्पियर का, क्योंकि इसमें कंपनी ने 7.5 एम्पियर का फ्यूज दिया है। और ये रहा दूसरा फ्यूज, तो इस फ्यूज को लगा देते हैं। इसमें ये फ्यूज लगा दिया, तो अब इसमें स्कैनर कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो गया स्कैनर। स्कैनर कनेक्ट हो गया और चाबी को ऑन करते हैं। चाबी ऑन हो गई और ये CNG की लाइट एक फ्लैश कर रही है और पेट्रोल की लाइट खड़ी है और ये गाड़ी गैस बता रही, ये CNG की गैस बता रही। तो चाबी बंद करके चालू करते हैं, तो ये CNG आ गया। ये पहले CNG नहीं आ रहा था, इसका जो है फ्यूज उड़ा था, ये आ गया। तो फ्रेंड्स CNG की लाइट मीटर में नहीं आ रही थी, वो लाइट आ चुकी है और CNG की लाइट मीटर चेंजर में फ्लैश कर रही है और पेट्रोल की भी आ रही है और गैस भी बता रही है गाड़ी। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट अभी पेट्रोल पे है और CNG इसका फ्लैश कर रहा है। तो ये गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिक CNG पे आएगी। एक बार इसका जो बटन है, ये बटन प्रेस करना पड़ेगा, ये बटन प्रेस कर दिया तो ऑटोमेटिक गाड़ी गैस पे आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये आ चुकी है, CNG पे आ गई है और पेट्रोल की लाइट जो आ रही थी वो चली गई, गाड़ी गैस पे आ गई। तो एक बार बंद करेंगे गाड़ी को और वापस से स्टार्ट करते हैं। तो गाड़ी हमारी पेट्रोल पे स्टार्ट और गैस बता रही है और CNG की लाइट फ्लैश कर रही है। जब गाड़ी गैस पे आ जाएगी तो ये लाइट ब्लिंक करना बंद कर देगी। तीस से 40 सेकंड का टाइम लगता है। ये आ गई, ये अंदर टक से आवाज आई सिलेंडर पे से और गाड़ी गैस पे आ गई और काम जो रेफरेंस हमारा हो चुका है। और जब तक इसमें CNG की लाइट मीटर पे नहीं आएगी तब तक गाड़ी हमारी गैस पे नहीं आएगी। और स्कैनर जो कनेक्ट नहीं हो रहा था, स्कैनर देखते हैं इसका। मारुति इंडियन और मीटर पे CNG की लाइट जो है आ जाएगी तो गाड़ी हमारी गैस पे आ जाएगी। तो बंद गाड़ी में इस पोजीशन में रहेगा इसका चेंजर। न्यू मेनू, मैनुअल सिस्टम और गाड़ी है हमारी CNG। तो इसने फ्रेंड देख सकते हो पार्ट नंबर ले लिया, रीड फॉल्ट कोड नॉर्मल DTC, नो DTC, मतलब गाड़ी में कोई DTC नहीं है। और इसमें जो प्रॉब्लम थी इसका फ्यूज उड़ा था, इसी वजह से जो गाड़ी CNG पे नहीं आ रही थी। तो गाड़ी हमारी स्टार्ट और ऑटोमेटिक गाड़ी गैस पे आ जाएगी, पेट्रोल पे स्टार्ट होगी उसके बाद में ऑटोमेटिक आ जाएगी। अगर डायरेक्ट पेट्रोल में इसको चलाना है तो ये बटन आप प्रेस कर दोगे तो गाड़ी पेट्रोल पे, हमारी परमानेंट पेट्रोल पे चलेगी। और गाड़ी को अगर ऑटोमेटिक चलाना है
तो एक बार ये बटन दबाना है और ये लाइट फ्लैश करने लगेगी, पेट्रोल पे स्टार्ट होगी, ऑटोमेटिक गाड़ी गैस पे आ जाएगी। ये गैस पे गाड़ी आ चुकी है, तो काम जो था हमारा हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।